हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू कॉन्सेप्ट बूस्टर क्लासेस ऑर्गेनिक की सीरीज में आप सभी का स्वागत है लास्ट क्लास में हमने ऑर्गेनिक कन्वर्जन के अंदर दो ट्रिक्स को स्टडी किया था फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्रीमेंट ऑफ कार्बन चेन एंड सेकंड डिक्रीमेंट ऑफ कार्बन चेन आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक रामबाण औषधि या आप बोल सकते हो रामबाण फ्लो चार्ट जो आपके सारे ऑर्गेनिक कन्वर्जन की प्रॉब्लम्स को दूर कर देगा हमें स्टार्ट कैसे करना है हाइड्रोकार्बन चैप्टर से हाइड्रोकार्बन में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास में रहता है एलकेन हम इसका जनरल फॉर्मूला है देते हैं सी एन एच टू एन प्लस टू हमारे पास में हो गया एलकेन हाइड्रोकार्बन चैप्टर में ही सेकेंड कंडीशन हमारे पास में आती है एल्कीन इसका जनरल फॉर्मूला सी एन एच टू एन ये हमारे पास में हो गई एंड थर्ड सी एन एच टू एन माइनस टू दैट इज एल्काइन अब कन्वर्जन में लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था हमारे ट्वेल्थ क्लास का हेलो एल्कन चैप्टर जो है वह सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे हेलो एल्केन में हेलो एल्केन में कन्वर्ट करने के लिए देखिए एल्केन का प्रोसीजर मैंने आपको बताया था कि एल्केन अगर हैलोजन से एच न्यू के प्रजेंट्स में हेलोजिनेशन रिएक्शन शो कर दे हेलोजिनेशन रिएक्शन तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सी एन एच टू एन प्लस वन इन टू एक्स एक्स इज हेलोजन सी एन एच टू एन प्लस वन एक्स ये बन गया हमारा हेलो एल्केन तो इसे बोलते हैं एल्किल एल्किल हैल्केन से कन्वर्ट करने के लिए हम इसमें एडिशन कर देंगे एडिशन ऑफ एच एक्स एडिशन ऑफ एच एक्स बाय मार्कोनिकॉफ मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ ऑफ एंटो एंटी मार्कोनिकॉफ अगर आपको साइड वाला हाइड्रोजन पे हेलोजिन को ऐड करना है तो आप एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को यूज में ले सकते हो एल्काइन से अगर हेलो एल्केन में हमें आना है यानी एल्किल हेलाइड में कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट करने के लिए प्रोसेस हमारे पास में ये रहेगा यानी एडिशन ऑफ एच एक्स एडिशन ऑफ एच एक्स एंड पार्शियली हाइड्रोजिनेशन पार्शली हाइड्रोजनेशन इन द presence ऑफ PD and एंड बी एस ओ फोर पी डी बी एस ओ फोर दैट इज लिंडलर कैटलिस्ट पी फोर इज लिंडलर कैटलिस्ट यानी इन तीनों प्रोसेस हम कहां तक पहुंच जाएंगे एल्किल एल्किल हैड तक, तक पहुँचने के बाद में यहां देखिए अगर मैं इस एल्केल है रिएक्शन केसियन से करवा देता हूँ पोटेशियम साइनाइड से तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आर सी एन में दैट मींस इट इज नाइट्राइल आर सी एन में कन्वर्ट हो गया दैट इज नाइट्राइल आर सी एन का हम अगर हाइड्रोजिनेशन करवा देते हैं हाइड्रोजिनेशन रिडक्शन किसके प्रदेंस में निकल और प्लेटिनम पैलेडियम के प्रजेंस में तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आर सी एच टू एन एच टू दैट इज एमाइन हमने क्या करा एल्किल को रिएक्शन करवाई के सी एन से यह कन्वर्ट हो गया नाइट्राइल में नाइट्राइल का हमने रिडक्शन करवा दिया हाइड्रोजन के थ्रू निकल एंड प्लेटिन की प्रजेंस में यह कन्वर्ट हो गया एमाइन में अब हमारे पास में एल्किल है जो है इसकी हम रिएक्शन करवा देते हैं एक्वस के ओ एच से लास्ट ट्रिक में आपको बताया था एक्वस के ओएच क्या करेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्कोहल में आर ओ एच दैट इज एल्कोहल एल्कोहल इसका मैं अगर पार्शियल ऑक्सीडेशन कर दूं पार्शियल ऑक्सीडेशन पार्शियल ऑक्सीडेशन किसके प्रधानस में करेंगे पीडीसी और पीसीसी पीडीसी क्या होगा प्लेडीनियम डाइक्रोमेट और ये होगा प्लेडेनियम क्लोरोक्रोमेट इसके प्रधान में करेंगे ये कन्वर्ट हो जाएगा आर सी एच ओ में बट मैं इसका अगर फुल्ली ऑक्सीडेशन करवा फुल्ली ऑक्सीडेशन करवा दें के एम एन ओ फोर के टू सी आर टू और सेवन की प्रजेंस में इसका ऑक्सीडेशन हम करवा दें तो कन्वर्ट हो जाएगा आर सी ओ एच ग्रुप में यानी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा यानी एलके हैलाइड की रिएक्शन करवाई वजह से यह करेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नुकलियोफिलिक एडिशन एल्कोहल हमें मिल गया एलकोल का हमने पार्शियल और फुली ऑक्सीडेशन करवाया पार्शियल ऑक्सीडेशन से कन्वर्ट हो गया एल्डिहाइड ग्रुप में एल्डिहाइड में एंड फुल्ली ऑक्सीडेशन से कन्वर्ट हो गया एसिड में ठीक है अब अगर हम चाहें तो एल्डिहाइड ग्रुप की रिएक्शन जो है टॉलेन और फेलिंग सॉल्यूशन से करवाकर इसको डायरेक्ट हम एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास में एल्किल हेलाइट जो है इसकी रिएक्शन अगर हम एन ए ओ आर एन ए आर से एन ए पॉजिटिव ओ आर नेगेटिव तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ईथर में ये कन्वर्ट हो जाएगा ईथर यानी आर ओ आर में ये रिएक्शन आपको याद होगी रिएक्शन होती है विलियमसन विलियमसन सिंथेसिस जहां पर एनओ आर की रिएक्शन एन ए इज पॉजिटिव आर इज नेगेटिव तो आसानी से रिएक्शन करके ईथर में इसको कन्वर्ट कर देगा अब यहां पर देखिए हमारे पास में एसिड जो है ये डिफरेंट टाइप की रिएक्शन शो करेगा डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस के अंदर सबसे पहले अगर इसकी रिएक्शन मैं अमोनिया से करवा दूं एन थ्री से देन इट इज कन्वर्टेड इन टू बना लेगा आर एन एच टू सॉरी आर सी ओ एन एच टू तो ये हो गया हमारे पास में एमाइड आइड आर सी ओ एन एच टू अगर एसी एसिड की रिएक्शन हम करवा देते हैं पी सी एल थ्री पी सी एल फाइव और एस ओ सी एल टू से करवा दें देन इट इज कन्वर्टेड इन टू एसिड क्लोराइड एसिड क्लोराइड अगर इसी एसिड की रिएक्शन हम पी टू ओ फाइव से करवा दें पी टू ओ फाइव से करवा दें तो ये कन्वर्ट ये हमारे पास में कन्वर्ट हो जाएगा पी टू ओ फाइव के प्रजेंस के अंदर अगर इसकी रिएक्शन हम पी टू ओ फाइव से करवाते हैं और एक अल्टरनेटिव यूनिट और ले लेते ले ले हैं आर सी ओ एच की देन इट इज़ कन्वर्टेड इंटू एन हाइड्राइड एन हाइड्राइड फार्मूला हमारे पास हो जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर अगर इसकी रिएक्शन हम करवा देते हैं एल्कोहल से देन इट इज़ कन्वर्टेड इंटू एस्टर ये हमारे पास में एसिड की कुछ रिएक्शन होगी एसिड की रिएक्शन में देखिए हमने अमोनिया से रिएक्शन करवाई देन इट इज़ कन्वर्टेड इंटू एमाइड हमने रिएक्शन करवाई पी सी एल थ्री पी सी एल फाइव और एसओ सी एल टू से देन इट इज़ कन्वर्टेड इंटू एसिड क्लोराइड फिर रिएक्शन करवाई हमने पी टू ओ फाइव से और एक सेकेंड यूनिट और ले ली हमने एसिड की देन इट इज़ कन्वर्टेड इंटू एन हाइड्राइड एलकोल से रिएक्शन करवाने पर यह कन्वर्ट हो गया एस्टर के अंदर अब हमारे पास में और कंडीशन देखिए क्या क्या बन सकती है ये एल्काइन जो है इसका यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ पार्शियली हाइड्रोजिनेशन अगर एल्काइन का मैं फुल्ली हाइड्रोजिनेशन करवा दूँ फुल्ली हाइड्रोजिनेशन किसकी प्रदेंस में होगा प्लेटिनम पैलेडियम और निकल की प्रदेंस में देन इट इज कन्वर्टेड इंटू एल्केन हम एल्काइन को भी एल्किन में कन्वर्ट कर सकते हैं एल्किन को एल्केन में एल्कीन का हेलोदिनेशन करवा कर हम कन्वर्ट कर सकते हैं एल्किल हेलाइड में एल्किन की रिएक्शन करा सकते हैं एच एस एच एक्स से मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिफिक रूल से देन इट इज कन्वर्टेड इन टू एल्किल हेलाइड अब यहाँ देखिए ये एल्काइन जो है इसके थ्री मॉलिक्यून एसिडलाइन जो है हमारे पास इसके थ्री मॉलिक्यूल लेकर मैं इसको रेड हॉट आयरन ट्यूब और कॉपर ट्यूब में हीट देना स्टार्ट रखू देन इट इज कन्वर्टेड इन टू एरोमेटिक कंपाउंड दैट इज बैनजीन दैट इज बैनजीन ये हमारे एलिफेटिक है एलिफेटिक्स हम कहां पहुंच गए एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन के अंदर तो यह हमारे पास में एक ऑर्गेनिक कन्वर्जन का रामबाण था जिसमें ट्वेल्थ के ऑर्गेनिक के ऑलमोस्ट सारे कन्वर्जन इंक्लूड हो चुके हैं आपको यह ध्यान रखना है हमें हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करते हुए हेलोजन पे जाना है हेलोजन से एल्कोहल पे एल्कोहल से एल्डीहाइड पे एल्डीहाइड से एसिड एसिड भी ये सारी रिएक्शन को शो करेगा अब इसके बाद हम इसमें स्टार्ट करेंगे एरोमेटिक कन्वर्जन को एरोमेटिक कन्वर्जन के लिए हम बेंजीन से स्टार्ट करेंगे और बेंजीन के कन्वर्जन को कंटिन्यू रखेंगे अब न एलिफेटिक के अंदर हमने एसिटिलीन से बेंजीन इसको कन्वर्ट कर दिया था देखिए थ्री मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिलिन इसकी रिएक्शन हमने रेड हॉट आयरन ट्यूब में करवाई देन इट इज कन्वर्टेड इन टू बेंजिन ये कनोट हो गया बेंजीन के अंदर अब देखिए बेंजीन की रिएक्शन में करवाता हूं बेंजीन की रिएक्शन हमने करवाई एच एन ओ थ्री प्लस एच टू ओ फोर ये होने चाहिए कंसेंट्रेटेड तो ये एक इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोफाइल देगा इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास में होगा एनओ टू और इसे कन्वर्ट कर देगा नाइट्रोबेन्जिन में नाइट्रोबेंजिन में कन्वर्ट नाइट्रो कर देगा अब नाइट्रोबेंजिन का हम करवा देते हैं रिडक्शन नाइट्रोबैंजिन का करवा रहे हैं रिडक्शन एस एन प्लस एच सी एल और एफ ई प्लस एच सी एल से जैसे रिडक्शन करवाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एनिलीन में ये कन्वर्ट हो गया एनिलीन में अब एनिलीन की रिएक्शन हम करवा देते हैं एनए एन ओ टू के साथ में और प्लस एच सी एल एच सी एल तो ये देगा मैं एच एन ओ टू नाइट्रस एसिड और ऑर्गेनिक की एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पीसी इसको कन्वर्ट कर दैट इज एन टू प्लस सी एल माइनस बेंजिन डाई एजोनियम क्लोराइड बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड अब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड में क्या होगा ये बहुत सारे ऑर्गेनिक कन्वर्जन की रिएक्शन को शो करते हैं ठीक है अब इसमें अलग अलग रिएक्शन कैसे होगी देखिए सबसे पहले अगर मैं इसकी रिएक्शन करवा देते हैं हम सी यू सी एन और प्लस के सी एन से देन इट इज कन्वर्टेड इन टू साइनोबेंजीन देन इट इज कन्वर्टेड इंटू साइनोबेंजीन अगर इसकी रिएक्शन हम करवा देते हैं सी यू सी एल प्लस एच सी एल से देन इट इज कन्वर्टेड इंटू क्लोरोबेंजीन अगर इसकी रिएक्शन हम करवा देते हैं सी यू बी आर प्लस एच बी आर से देन इट इज कन्वर्टेड इंटू ब्रोमोबैंजीन अगर बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन हम करवा देते हैं एच बी एफ फोर से देन इट इज कन्वर्टेड इंटू फ्लोरोबेंजीन। अगर इसी की रिएक्शन हम करवा देते हैं वाटर से देन इट इज कन्वर्टेड इंटू फिनॉल देन इट इज कन्वर्टेड इंटू फिनॉल अगर इसी का हम रिडक्शन करवा दें रिडक्शन एस एन प्लस एच सी से रिडक्शन करवा दें टेड इन टू एन एच एन एच टू इसे बोलते हैं फैनिल हाइड्रेजीन फैनिल हाइड्रेजीन तो आप देखिए बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड काफी सारे रिएक्शन को शो कर रहा है सी यू सी एन के साथ में साइनोबेंजिन सी यू सी एल प्लस एच सी एल के साथ में क्लोरोबेंजिन सी यू बी आर प्लस एच बी आर के साथ में ब्रोमोबेंजिन एच बी एफ फोर के साथ में फ्लोरोबेंजिन वाटर के साथ में बना लेगा फिनॉल और रिडक्शन कराते हैं एस एन प्लस एस सी एल के प्रेजेंस में तो बना देगा फिनाइल हाइड्रोजीन अगर इसी की रिएक्शन हम एक और शो कर देते हैं पोटेशियम आयोडाइड के साथ में हीट करें इसे देन इट इज कन्वर्टेड इन टू आयोडोबैंजिन कन्वर्टेड इन टू आयोडोबैंजिन अब देखिए और क्या रिएक्शन हो सकती है फिनॉल जो है ये फिनॉल जो है अगर ये रिएक्शन कर जाए एन एच सी ओ टू के प्रेजेंस में इन एनओ एच और सी ओ टू के साथ में रिएक्शन कर ले ट इज कन्वर्टेड इन टू सेलिसिक एसिड सिलिसलिक एसिड सिलिसलिक एसिड अब ये रिएक्शन कौन सी होती है कॉलबे रिएक्शन रिएक्शन कौन सी होगी कॉलबे रिएक्शन अगर इसी फिनॉल की रिएक्शन हम करवा दें एन एच और क्लोरोफॉर्म से सी एच सी एल थ्री देन इट इज कन्वर्टेड इन टू इड एंड इट इज रिएक्शन इज रेमर टीमान रिएक्शन रेमर टीमान रिएक्शन कॉलबर रिएक्शन में क्या होगा एल्कोहल जो है वो एनएच और सीओ टी प्रध में कन्वर्ट कर देगा इसको सेलिसिलिक एसिड में एंड रेमर टीमान रिएक्शन में क्या होगा फिनॉल जो है वो एनएच और क्लोरोफॉर्म की में इसको कन्वर्ट कर देगा सैलिसलिक एसिड के अंदर अब इसके अलावा हमारे पास ऑर्गेनिक कन्वर्जन में और क्या रहता है अगर हम बेंजीन की रिएक्शन बैंजिन की रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड और एच की प्रेजेंस में एन हाइड्रस थ्री से करवा दें देन इट इज कन्वर्टेड इनटू टू बैंजल अब इस रिएक्शन को बोलते हैं गाटरमान कोच रिएक्शन गाटरमान कोच रिएक्शन ठीक है अब बेंजीन डाई क्लोराइड जो हमारे पास में अगर इसकी रिएक्शन हम इसकी रिएक्शन हम करवा देते हैं सी टू एच फाइव ओ एच और एच थ्री टू के साथ में तो ये क्या करेगा इसको कन्वर्ट कर देगा वापस बेंजीन के अंदर तो ये हमारे थे एलिवेटिक एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स के ऑर्गेनिक कन्वर्जन जिसे हम शॉर्ट बोल सकते हैं राम बाण औषधि और राम बाण ऑफ ऑर्गेनिक कन्वर्जन जो आपकी ट्वेल्थ की ऑर्गेनिक के साथ साथ नीट और जे एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा थैंक यू सो मच